जो भी छात्र शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। डीट प्लस बी से आने वाली भर्तियों के बारे में यहाँ पर सारे रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए, कई सारे बड़े बदलाव भी हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 25,000 पदों पर भर्तियों की बात की गई है। यहाँ पर आप लोग दिल्ली राजपत्र देख सकते हैं जो कि 28 जून 2023 को प्रकाशित है, हालांकि ये सोशल मीडिया में आज ही आया हुआ, लेकिन डेट यहाँ पर 28 जून की आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स है वो TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती के लिए सारे रूल्स इसमें बता दिए गए हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी, कितने पद रहेंगे, सारा कुछ A to Z बता दिया गया है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किए गए हैं, आप सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन ओपन कर लिया हुआ, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए दीज रूल्स में बी कॉल्ड द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश मैथ्स नेचुरल साइंस सोशल साइंस रिक्रूटमेंट रूल्स 2023, यानी इनको रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई कि कितने पोस्ट हैं, क्या क्या क्या, तो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, आप लोग वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी, कितने विषय पर भर्तियाँ आएंगी। तो मेन जो TGT की भर्ती है इसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए, उसमें 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं, इंग्लिश मैथ सोशल साइंस और फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके बताया गया है पद। अब यहाँ पर देखिए टोटल पदों की संख्या है 24,939, राउंड फिगर में लगभग 25,000 पद हैं, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, ये 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पद बताए गए हैं, 24,939 ये पद कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि जब विज्ञापन आएगा तो इसमें पद इतने नहीं रहेंगे, उस समय पद कम ही आएंगे। जैसे आपने देखा होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में जो भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे उसमें लगभग 38,000 पदों की बात करी गई थी, लेकिन बाद में जब विज्ञापन आया तो 4,062 पदों पर ही आया, हालांकि वो भर्ती नेक्स्ट 3 ईयर्स में होनी है। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर है, पद इतने हैं लेकिन हो सकता है जब 2023 में अभी नोटिफिकेशन इसका आएगा तो पद इसमें कम रहेंगे। आप लोग जानते हो DSSSB में TGT की भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय से नहीं आई हुई हैं, और यहाँ पर TGT भर्तियों के लिए ये जो रूल्स हैं जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोस्ट रहेगी नॉन गजटेड ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाला है, मिनिमम बेसिक बनेगा आपका 44,900, मैक्सिमम बनेगा 1,42,400, स्टार्टिंग सैलरी करीब यहाँ पर 60 से 65 हज़ार के बीच में आपकी बैठेगी, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, एज लिमिट हालांकि यहाँ पर कम रखी गई है, एज लिमिट मात्र यहाँ पर 30 साल ही रखी गई है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को जो है यहाँ पर बताया गया है, सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड इंस्ट्रक्शंस हैं ऑर्डर्स हैं उनके अनुसार 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बताया गया द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय DSSSB, यानी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये कट ऑफ डेट बताई जाएगी कि आपकी इस दिन से एज काउंट की जाएगी। एज हालांकि देखा जाए तो काफ़ी कम है, ये नॉर्मल भर्तियों में देखा होगा आपने 40 साल की एज रहती है चाहे लोक सेवा आयोग हो या कोई अन्य हो, कर यहाँ पर 30 साल ही मैक्सिमम एज निर्धारित की गई है। इसके बाद क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लो कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल है। तो यहाँ पर बोला गया बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जो भी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है वो कम से कम 50% मार्क्स से हो, और जो विषय है जिस विषय के लिए आप यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं जो कंसर्न आपके सब्जेक्ट होंगे कम से कम 2 साल उसमें आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे सपोज करो
आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया और आपने बीए किया हुआ है तो हिंदी आपने 2 साल पढ़ी हुई है तो अब उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हो। 2 साल वाले अभ्यर्थी जो सेकेंड ईयर तक पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है तो मास्टर्स डिग्री में भी 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री दोनों में से कम से कम जो भी आपने किया हुआ तो 50% मार्क्स उसमें भी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, आपके पीजी में 50% है तब भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो, या पीजी में 50% नहीं है आपका ग्रेजुएशन में 50% है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। किसी एक में 50% यहाँ पर आपका होना चाहिए, चाहे वो बैचलर डिग्री में हो या फिर मास्टर डिग्री में हो, ठीक है। इसके बाद जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको आप बीएलएड के नाम से जानते हैं या बीएससी बीएड के नाम से जानते हैं या बीए बीएड के नाम से जानते हैं तो ये भी आपका यहाँ पर होगा तब भी आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो कम से कम 3 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोला गया है आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। बीएड आपने किया हुआ है या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होता है 3 साल वाला, ठीक है, वो भी आपने किया हुआ है तब भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखो जो अभ्यर्थी ये वाले कोर्स करते हैं बीएलएड या बीएससीएड या बीए बीएड वाले तो इनमें अलग से बीएड की जरूरत नहीं रहेगी, ये कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 4 साल वाले और इसमें आपका बीएड इंक्लूड रहता है। बाकी जो लोग ग्रेजुएशन या पीजी किए उनके लिए अलग से यहाँ पर बीएड मांगा गया है, ठीक है। तो पहला होगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी 50% मार्क्स के साथ, दूसरा हो गया आपका बीएड, तीसरा यहाँ पर बोला गया है सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई तो सीटेट भी आप पास आउट होने चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया जो कि आप सभी के लिए बहुत जरूरी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं या फिजिकल साइंस के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो बताया गया नीचे सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में कम से कम आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट हैं देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी लाइफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोमेडिकल साइंस मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, ये इतने सब्जेक्ट दिए गए और कम से कम एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सोशल साइंस के लिए बताया गया है कि कम से कम एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी बिजनेस स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स, तो ये इतना यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ तो आप सोशल साइंस के एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर सोशियोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया गया है, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स को भी इंक्लूड कर लिया गया सोशल साइंस के लिए, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो मैथमेटिक्स से आपका यूजी या पीजी होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो इंग्लिश से आपका यूजी या पीजी होना चाहिए, ठीक है। और लिखा हुआ एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट डिसिप्लिन विल बी इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ ईच रिक्रूटमेंट, और जब भी इसके नोटिफिकेशन आएंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उस टाइम ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी उसमें, तो ये है। बाकी यहाँ बताया क्वालिफिकेशन जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा जो भी DEEB के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्राइटेरिया की। अब यहाँ पर देखिए ये पद कैसे भरे जाएंगे, प्रोवेशन कितना रहेगा, तो बताया गया कि यहाँ पर जो प्रोवेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा, इसको आप परीक्षा काल बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी नौकरी अस्थायी रहती है, इसके बाद आपका स्थायीकरण होता है। और यहाँ पर जितने भी पद मैंने आपको बताए जो भी भर्ती होगी उसमें से बताया गया 20% जो पद हैं प्रमोशन से भरे जाएंगे, 80% जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, और आप लोग उसी में आवेदन कर पाएंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। जो प्रमोशन वाले पद होते हैं वो वहाँ पर जो पहले से वर्किंग टीचर होते हैं उन्हीं का प्रमोशन किया जाता है, बाकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर टोटल आपके रिक्रूटमेंट रूल्स बता दिए गए मेन,
ठीक है। अब इसके बाद आपकी वैकेंसी शीघ्र ही जारी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी ईएमआरएस में ऐसा ही हुआ, नवोदय में ऐसे रिक्रूटमेंट शुल्क जारी किए गए, उसमें भी वैकेंसी आने वाली है और इसमें भी वैकेंसी आपकी शीघ्र ही आएगी। तो फिलहाल अगर ये आप जियो देखना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।